हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के यूजी एडमिशन प्रोसेस 2021 और 22 को लेके कि आखिर यहाँ पे जो है कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, साथ में जो है एयूडी कितने कोर्सेज करवाती है जिसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो, साथ में इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जो है रिलीज कर दिए गए हैं एयूडी की तरफ से। तो ये जो फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, तो स्टेप बाय स्टेप में ये भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, इसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एडमिशन के लिए या फिर जो है मेरिट बेस पे होते हैं, तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि एयूडी से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एयूडी के तरफ से जो है एडमिशन 2021 और 22 सेशन को लेके जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज कर दिए गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको कैसे फिलअप करना है, ये आपको बताने से पहले जो है आपको पहले ये मैं बता दूं कि जो एयूडी कितने कोर्सेज करवाती है जिसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए जो है एयूडी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि AUD.ac.in है, इस पर आना है। इस पर आके जो है आपको राइट साइड में मेन्यू का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है प्रोग्राम का सेशन दिख रहा होगा, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कितने कोर्सेज जो है एयूडी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में करवाती हैं वो शो होके यहाँ पे आपको जो है दिख रहा होगा। और इसके जो है जितने भी कोर्सेज करवाते हैं, इसके जो है तीन सेंटर है, तीनों सेंटर पे जो है अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो उसी हिसाब से जो है आपको अप्लाई करना है, यानी कि जिस भी सेंटर में आपको जो है जिस भी कोर्सेज में अप्लाई करना हो तो यहाँ पर जो है देख लीजिएगा। जैसे जो है इसके एक करमपुरा सेंटर है, दूसरा जो है कश्मीरी गेट है और तीसरा जो है लोधी रोड है। तो आपको जहाँ भी अप्लाई करना हो उस हिसाब से जो है देख लीजिएगा। जैसे जो है करमपुरा में जो कोर्सेज करवाए जाते हैं उसमें जो है BA इन ग्लोबल स्टडीज़ है, तो यहाँ पे इसी हिसाब से जो है आपको जो है अप्लाई करना है। उसके बाद जो है BA इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ है, फिर जो है BA इन लॉ एंड पॉलिटिक्स है, फिर जो है BA वोकेशनल में जो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है, और फिर जो है BA वोकेशनल में जो है रिटेल मैनेजमेंट है, फिर जो है BA वोकेशनल इन ईयरली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंड इंटर्नशिप है, फिर जो है BA वोकेशनल में जो है अकाउंटिंग फाइनेंशियल है, फिर जो है कश्मीरी गेट में जो सेंटर है उसमें जो कोर्सेज करवाए जाते हैं वो है BA ऑनर्स इन हिस्ट्री, BA ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, BA ऑनर्स इन सोशोलॉजी, BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इन इंग्लिश, BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, BA ऑनर्स इन सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज, BA ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन इन कोर्सेज, ये जो कोर्सेज है ये कश्मीरी गेट सेंटर पे जो है करवाए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अब जो आता है लोधी रोड में, लोधी रोड में जो है इंटरग्रेटेड टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम, तो यही एक कोर्सेज करवाई जाती है लोधी रोड में। तो आपको देख ले किस कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है, उसी हिसाब से जो है आपको उस सेंटर पे जो है आपको अप्लाई करना है। अब हम आते हैं इसको लेके एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, ये आपको जानने के लिए आपको मैं पहले साफ साफ बता दूं कि मिनिमम जो है सभी कोर्सेज में, आप किसी भी कोर्सेज में जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में क्यों ना अप्लाई करना चाहते हो, मिनिमम जो है आपका 50% होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इसके जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं AUD की तरफ से, और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाता है तभी जो है आपको जो है एडमिशन मिलता है, अगर आपका लिस्ट में नाम होता है तो। अब जो हम देख लेते हैं कि इसको लेके एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे हम BA ऑनर्स हिस्ट्री पे जो है क्लिक कर लेते हैं, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सीट भी कितनी है, ये भी इसमें जो है बताया गया है। टोटल 44 सीट है कश्मीरी गेट में जो है हिस्ट्री ऑनर्स में, और ये जो है 3 साल का करवाया जाता है, और इसमें जो है 12th पास आपका होना चाहिए, और उसके बाद जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है इसका एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है, तो ध्यान रख ले। आपको बाकी कोर्सेज में जो है अलग अलग कोर्सेज में जो है अलग अलग इसका जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है। अब जो है हम यहाँ पे जो है BA ऑनर्स इंग्लिश पे जो है क्लिक कर लेते हैं, और इसका भी जो है हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी और इसका क्राइटेरिया क्या है। इसमें भी जो है 44 सीटें है और 3 साल का ये भी जो है करवाया जाता है। इसमें भी जो है 12th पास होना चाहिए किसी भी आपका CBSE से जो है, और उसके बाद जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो यही है, बाकी अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे जो है हम सोशियोलॉजी का जो है देख लेते हैं कि आखिर सीट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें भी दोस्तों लगभग 44 सीट है और 3 साल का ये भी कोर्सेज़ है।
इसमें भी जो है 12th पास होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे भी जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो है आपको सारा कोर्सेज जो है देख लेना है, और फिर जिसमें भी जो है आपको अप्लाई करना है उसके हिसाब से जो है आपको देख लेना है। अब जो है हम इकोनॉमिक्स पे देख लेते हैं कि आखिर इसमें जो है यूजी में कितने सीट है और कितने क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया, ये देख सकते हो 44 सीट है, 3 साल का ये भी कोर्सेज है, और इसमें जो है 12th पास होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है SC ST OBC को जो है मिनिमम 5% का जो है इसको छूट मिलता है, यानी कि 5% आपका कम हो सकता है, यानी कि 45% में भी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो है आप जो है अपने जिस भी कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो उसका जो है यहाँ पे क्लिक करके जो है देख लो इसको लेके जो है कितनी सीटें हैं, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। अब जो है हम आते हैं कि इसमें जो है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है निकल गए हैं, तो वो जो है फॉर्म आपको जो है कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको बैक आ जाना है, और इस पे जो है आपको नीचे में दिख रहा होगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे जो है फॉर्म शो हो के आ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर इंस्ट्रक्शन एडमिशन वाउचर 2021-22। तो दोस्तों आपको जो है एडमिशन फॉर्म फिलअप करने से पहले जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन जो है आपको देख लेना है। तो इस पे जो है हम क्लिक करके देख लेते हैं कि आखिर क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द फॉर्म। तो आपको जो है एग्ज़ाम से पहले जो किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर फिलिंग फॉर्म प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन गिव ब्लो केयरफुल, प्लीज़ यूज अपडेट स्टेप फॉर द रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन द टैब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यू विल बी डायरेक्टेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म पेज। यानी कि इसमें दिया हुआ है कि क्लिक ऑन द न्यू यूजर सिंगअप, यानी कि इसमें ये बताया गया स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए जो है अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो है क्लिक करना है, और उसके बाद जो है साइनअप आपको जो है कर लेना है, न्यू साइनअप पे क्लिक करके उसके बाद जो है इंटर योर वैलिड ईमेल आईडी, यानी कि आपके पास जो है ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, और उसके बाद जो है वहाँ पे आपको जो है फिलअप करना है ईमेल आईडी, उसके बाद जो है फिर से आपको जो है री एंटर ईमेल आईडी आपको जो है करना है, फिर 5वें नंबर पे जो है इंटर योर सेक्रेट पासवर्ड आपको जो है बनाना है, उसके बाद जो है री एंटर पासवर्ड करना है, यानी कि जो भी आप पासवर्ड आपने चूज़ किया है वही आपको री एंटर करना है, फिर जो है इंटर योर 10-डिजिट मोबाइल नंबर, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है जो भी आपके पास हो वो मोबाइल नंबर आपको जो है उसमें फिलअप करना है, इंटर योर कैप्चर, यानी कि जो कैप्चर इसके तरफ से बोला जाएगा फॉर्म के तरफ से जो दिया होगा वहाँ पे वो कैप्चर आपको फिलअप करना है, फिर जो है क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपको एक जो है ईमेल आ जाएगा AUD की तरफ से, और यू विल रिसीव, आपके पास एक जो है ईमेल रिसीव होगा, और उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जो है और उसके बाद फॉर्म फिलअप आपको करना है। उसके लिए जो है अगेन क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे, और उसके बाद जो है रिडायरेक्ट आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है रजिस्ट्रेशन यूजन आपको जो है अब जो है लॉगिन आईडी पे जो है आपको क्लिक करना है, और वहाँ पे जो है ईमेल आईडी के साथ में जो है यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपको जो है वहाँ पे फिलअप कर देना है। वहाँ पे जब आप फिलअप करेंगे तो आपका जो है और साथ में कैप्चर आप फिलअप कर देंगे तो आपके लिए जो है फॉर्म खुला जाएगा, और फिर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो है आपको पर्सनल कुछ डिटेल जो है आपको भरना होगा, उसके बाद जो है एकेडमिक डिटेल भरना होगा, साथ में जो है प्रोग्राम किस कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो भरना होगा, फ़ोटो आपको जो है अपलोड करना होगा सिग्नेचर के साथ में, और साथ में जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको देख लेना है, और उसके बाद जो है सेव कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। इसी तरीके से जो है आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इसके जो फीस है फॉर्म के वो जो है अलग अलग कोर्सेज के लिए जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है 400 से लेके यानी कि 390 से लेके 150 SC ST के लिए जो है PWD कैटेगरी के लिए है, तो उसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख ले, बाकी कोई सवाल है यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो इन नंबर पे इनसे जो है कॉल करके भी जो है पूछ सकते हो। बाकी अब जो है हम आपको जो है नीचे आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे, और इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एडमिशन फॉर्म जो है
खुल के आपको आ जाएगा। और यही जो इंस्ट्रक्शन बताया गया है, जो कि आपको उसमें जो है हमने आपको पहले बता दिया है, यहाँ पे आपको जो है यूजर नेम से पहले जो है आपको सबसे पहले तो है न्यू यूजर पे जो है आपको क्लिक कर लेना है, न्यू यूजर सिंगअप पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ईमेल आईडी पे जो है आपको फिलअप करना है, फिर जो है वही ईमेल आईडी जो है आपको कंफर्म करना है, पासपोर्ट आपको जो है बनाना है, फिर जो है री एंटर पासवर्ड करना है, और उसके बाद जो मोबाइल नंबर डालना है आपको, और ये जो कैप्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिलअप करके आपको जो है रजिस्ट्रेशन पर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक ईमेल आ जाएगा और आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप वहाँ पे जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है जिस तरह से पीछे बताया गया है उसी तरीके से जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप करना है। बाकी आपको हमने बता दिया कि कितने कोर्सेज हैं, इसके जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, बाकी जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ से आप जो है देख सकते हो। आपको जो है पीछे आना है एयूडी पे ही, एयूडी के वेबसाइट पे ही, और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि कब जो है इसकी लास्ट डेट है। और ये देख सकते हैं ये जो है 1 सितंबर 2021 जो है लास्ट डेट अप्लाई करने की है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की। अभी जो है पीजी का जो है एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब भी स्टार्ट होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचित करेंगे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।